ऐसा बोलते हैं संत लोग, यही प्रेम की भी निशानी होती है। वह जिसको प्रेम करता है उसको अपने से भिन्न नहीं मानता, उसका दुख मेरा दुख, मेरा दुख उसका दुख, उसका सुख मेरा सुख, मेरा सुख उसका सुख, ये अपरोक्षतया। मैं उसके लिए मरता नहीं हूं, तस्याहम न प्रणश्यामि, इसके लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं अहम ईश्वर, मिला भाष्य, अहम ईश्वर न प्रणश्यामि न परोक्षताम गमिष्यामि, सच मे न प्रणश्यति, सच विद्वान मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षी भवति, उसके लिए मैं कभी परोक्ष नहीं होता। तस्य च मम च एकात्मकत्वात्, अब वह नहीं है, वह मैं हूं। ओहो, इसीलिए जो संत है, जो गुरु है, वो संत और गुरु नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ये तो साक्षात कौन है, भगवान है। एकात्म भाव देखो कैसा किया गया, वो गुरु हो ब्रह्मा, गुरु हो विष्णु हो पालकत्वात्, पालन करने से वह विष्णु है, ब्रह्म विद्या को पैदा करने के कारण हाँ वह ब्रह्म है, ब्रह्मा है, गलत चीजों को संहार करने के कारण वो गुरु क्या है, वो शिव रूप है। वो है कौन, वो तीनों एक ही में है, इसलिए वो अपने गुरु को क्या बोलता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ओहो, ये मुझे जो दिख रहा है यह तो साक्षात ब्रह्म है, देखो न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, ले यह स्थिति जब साधक की हो जाती है कि ईश्वर और उसमें किंचित मात्र भी अलगाव नहीं होता, भिन्नत्वेन न जानाति, ईश्वर को ईश्वरम भिन्नत्वेन जानाति, ऐसा यदि इसकी दृष्टि हो जाती है तो स्वात्मा ही नाम आत्मनः, मिल गया, प्रिय एव भवती, अब वह अपने को साक्षात देखने लगता है। इसकी देखो यह इसको फल प्राप्त हो गया, तस्याहम न पड़श्यामी, सच में वह मेरे लिए नहीं मरता, इसका मतलब वह मेरे से दूर नहीं रहता, वह भी मेरे क्या है, साक्षात अपरोक्ष है, मैं उसके लिए दूर नहीं हूं, वह मेरे लिए दूर नहीं है। सर्वभूतस्थितम यो माम, सभी भूत, देखो भाई आंख से देखेगा तो भूत ही दिखाई देगा ना, ये कोई सोचे कि अब उसको साक्षात सब ब्रह्मा विष्णु महेश दिखने लगे, ऐसा नहीं होगा, विषम तो विषम ही होगा, लेकिन उस विषम में भी क्या देखता है, वो सम देखता है। मैं इसको ऐसा थोड़ा व्यवहारिक भाषा में कहूं, व्यक्ति कितना से कितना दुष्ट क्यों ना होवे, अगर मेरी अच्छी दृष्टि है, पॉजिटिव है, तो मैं उसमें अच्छी चीज देखने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव अप्रोच। जो नकारात्मकता है वो तो वो है ही है, वो जाने, कम से कम मेरी दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए, मेरी दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए कि मैं उसमें क्या करूं, सकारात्मक चीजें देखूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें नकारात्मक चीजें नहीं है, बट आप वो क्यों देख रहे हो भाई, गीता में इसको क्या कहेंगे, इस दृष्टि को, हाँ
गोपी ने साधका, कोई नहीं भी। भगवान ने अर्जुन का नाम ही इसलिए अनुसूयवे, अनुसूयवे मतलब क्या है, तो क्या दोष नहीं है क्या सिर्फ? दोष होना और दोष दृष्टि होना दोनों अलग अलग चीजें, इसीलिए भगवान ने अर्जुन का नाम दिया ना प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। दोष नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर वह दृष्टि नहीं है कि तुम क्या देखो, दोष देखो। ये हमको ग्राह्य करनी चाहिए व्यवहार में भी, कि जितना हो सके हमको उस व्यक्ति में अच्छी अच्छी चीजें क्या करनी चाहिए, कम से कम मेरी दोष दृष्टि तो न रहे, ये ज्ञान से संभव है। इसी को मानस में अंजन कहा गया, इसी को मानस में काजल कहा गया। गुरु कृपा, गुरु कृपा पायो मेरे भाई, दृग दोष विभंजन, ऐसा शब्द आता है। यह जो अंजन, यह जो काजल मिल गया, यह जो मेरी दृष्टि सुधर गई, ये किसके कारण हो गई? गुरु कृपा। ये हम गुरु कृपा मतलब ज्ञान से। ऐसा ही ये देखो, ये साधक है सर्वभूत स्थितम यह माम पश्यति, सभी भूतों के अंदर वह मुझको, मुझको मतलब क्या, भजति एकत्वम आस्थितः। मिल गया ये श्लोक 31वां। भजति का अर्थ क्या होगा? भजति का मतलब क्या हुआ? भजति का अर्थ हुआ अन्यत्व, मुझसे अलग करके वो नहीं जानता, परोक्षपना का अभाव होना। देखो जी, ये भजति, जो भजन करता है मतलब क्या हुआ, जिसकी ऐसी दृष्टि है, जिसका ऐसा ज्ञान है। देखो हम लोग तो साधारण बोलते हैं भजन, जब साधुओं की भाषा होती है तो वो आपस में इसे ही बोलते हैं कि आपका भजन कैसा चल रहा है। भजन मतलब ये नहीं कि वो ध्यान बजाना और हारमोनियम लेके, हम तो उसी को भजन समझते हैं, लेकिन अध्यात्म की भाषा में भजन मतलब साधना, भजन कैसा चल रहा है, भजन में कोई व्यवधान तो नहीं है, मतलब साधना। तो भजन कर दो अन्यत्व परोक्षपन का अभाव न होना, ऐसी जिसकी भजति शब्द मिल रहा है, भजति एकत्वम आस्थितः, सभी भूतों में जो एक तत्व है वो उसी को ही देखता है। किसमें? भूतों में। सर्वथा वर्तमानोपि, ऐसा साधक, देखो बड़ी बहुत बड़ी पंक्ति है ये। वर्तमान मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट नहीं, ये मत कर देना उसका अर्थ। वर्तमान का मतलब क्या हो? वर्तन। वर्तमान मतलब वर्तन। वह जीवन मुक्त पुरुष कोई भी किसी भी प्रकार का वर्तन करे, व्यवहार करे, लेकिन उसका वह ज्ञान विस्मृत नहीं होता। सर्वथा वर्तमानोपि, अब उसको खुली छूट है, जो चाहे वह करे। क्या करे भाई? क्या करेगा? वो दो चार चीजें ही करता है इसे ज्यादा। भाई एक बात तो पक्की है, जो जीवन मुक्त पुरुष है निषिद्ध आचरण तो नहीं करेगा, और कर भी सकता है लेकिन कुछ लाइन नहीं खींच सकते। इसी को भाष्यकार ने क्या लिख दिया पता है?
योग रतो वा भोग रतो वा। वो ज्ञानी कैसा हो सकता है? योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। क्या समझ में आया पहली पंक्ति? योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दतेव नन्दति नन्दति नन्दतेव। ओ महाराज, नन्दति नन्दति प्रसन्न रहता है। कौन प्रसन्न रहता है? यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। ये जो आपने श्लोक पढ़े हैं भी, जिसका चित्त ब्रह्म में रमता रहता है, वस्तु में नहीं, व्यक्ति में नहीं, अवस्था में नहीं, गुणों में नहीं, हाँ, ब्रह्मणि रमते चित्तम। पूरे जगत में जिसकी ऐसी एक दृष्टि हो गई, एकत्वम आस्थितः, एक दृष्टि प्राप्त हो गई, वो क्या करेगा? बोले वो कुछ भी करे। अरे बोले कुछ भी मतलब क्या? योग रतो वा। हो सकता है महाराज वो योगी महाराज होवे, तो आप ये मत बोल देना कि ये योगी है तो ये ज्ञानी नहीं है, ना ना ना। योग रत भोग रतो वा। जनक जैसा व्यक्ति भोग नगरी में रहता हुआ भी अंदर से कैसा है? असंग है। ऐसा भी हो सकता है? बोले ऐसा क्यों हो सकता है? वो भोग में क्यों है? तो क्या उत्तर देंगे? फिर क्या उत्तर देंगे? वो भोग में क्यों है, इसका क्या उत्तर देंगे भाई? बाह्य परिस्थिति देने का कार्य तो प्रारब्ध का है ना। बाह्य परिस्थिति देने का कार्य किसका है? जो देखो, मैं आपको महापुरुषों के नाम इसलिए गिनाता हूं। गुरुदेव का प्रारब्ध कैसा रहा? तो बहुत, कितने कष्ट में भी रहे एक अवस्था में, और उसके बाद कितने भोग में रहे। भोग में मतलब आपको जान के ताज भी, एक एक दिन में तीन तीन चार चार घड़ियां बदल जाती थी प्रतिदिन। ले जो जो हम वॉशरूम डिजाइन नहीं कर सकते आज, वो 1980-90 में डिजाइन है। जरा देखिए कोई सिद्ध भर, जो हम नहीं सोच सकते वो सोच चुके, वो देख चुके। ये क्या है व्यक्ति का प्रारब्ध? उसी जगह अखंडानंद जी रहे महाराज जी, वो उपासना में ही रत रहे। तो रमण महर्षि तो एकदम ही निवृत्ति प्रधान रहे। उन्हीं के गुरुदेव, गुरुदेव के तपोवन जी, वो महानिवृत्ति में रहे। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति के विभाग से किसी के ज्ञान को जांचना अज्ञान। जिसकी जैसी वासना, अब गुरुदेव की लिखने की वासना थी, क्योंकि वो पहले भी प्रेस में थे, तो अंतिम समय तक क्या करते रहे? वो लिखते रहे। लिखने की आदत थी। महाराज जी की आदत कैसी रही? प्रवचन करने की, उपासना की, तो वो प्रवचन ही करते रहे। विवेकानंद को ओरेटरी रही, तो वो भाषण ही देते रहे। रमण महर्षि को कोई नहीं आदत थी, तो बैठे रहे, लेटे रहे। देखते ना, लेटे लेटे आपको बहुत सारी पोज मिलेगी, एक लंगोटी बांधे हुए। योग रतो वा भोग रतो वा, तीसरा देख लो, संग रतो वा संग विहीना। अरे पूरा देश खड़ा है, पूरा विश्व उनके साथ खड़ा है। आपको दिख सकता है कि ये कितने अटैच हैं लोगों से,
लेकिन आपको पता है वो व्यक्ति अंदर से एकदम क्या है, असंग। हो सकता है उसको कोई नहीं पहचानता, ले वो फक्कड़ महात्मा की तरह कैसे कहीं बना के नंग धड़ंग एक लंगोटी पहन के पड़ा हुआ है, संग भी ना, कोई नहीं है, कोई नहीं है उसकी सेवा के लिए, ये भी संभव है। तो देखो ये भाष्यकार नहीं लिखा है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, शर्त एक है। ये चारों व्यवहार अलग अलग हैं, लेकिन सभी में अंदर एक चीज है, यस्य ब्रह्मणि रमते चेतम। चारों का व्यवहार कुछ भी होवे, उनका जो चित्त रममाण विषय में है वह है ब्रह्म। और आपसे क्या कहें, आपने तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में वो एक साधक था जो जीवन मुक्त पुरुष हो गया। आप में से कितने लोगों ने अभी मैंने जो पढ़ाया आपको तैत्तरीय थे, एक बस, तीन। तो उसमें पता है वो जो जीवन मुक्त पुरुष हो क्या कहता है, हा हु ले, ये क्या हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसका मतलब ही नहीं हम लोग उसकी कॉपी करने लगे, हम भी चिल्लाएं आश्रम में बैठ के हा हु, ये नहीं कहा जा रहा है, ये उसके मन के उद्गार हैं। पढ़िएगा आप, उसमें ये सब शब्द आते हैं। उसको जीवन मुक्त पुरुष को, जिसको ऐसी ब्रह्म प्रमा प्राप्त हो गई है, उसको किसी व्यवहार से नाप नहीं सकते हैं। सर्वथा वर्तमानोपि, ये शब्द देखो, सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा सर्व प्रकार ही, वर्तमानाः अपि सम्यक दर्शी योगी, मयि वैष्णवे परम पदे वर्तते नित्य मुक्तः। ऐसा व्यक्ति परम मुक्त है, वैष्णव पद को जिसने क्या कर लिया, देखो क्या लिखते हैं, वैष्णवे पदे, और ये वैष्णव पद आने जाने वाला नहीं है, परम पद वर्तते नित्य मुक्त सच मोक्षम। उसने क्या प्राप्त कर लिया, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, उसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब उसके व्यवहार से उसके ज्ञान को परखा नहीं जा सकता है, और जो ज्ञान को व्यवहार से परखता है वो मूर्ख है, वो अज्ञानी। क्योंकि जो व्यवहार वो करेगा वो कैसा होगा, वो द्वैत का होगा, तो उसकी ज्ञान को क्या जानोगे। क्योंकि यह जो दृष्टि है वो अंदर है, दृष्टि तो अंदर है ना, अब ये दृष्टि के बाद वो बाहर आए या ना आए ये उस पर मर्जी। कई जीवन मुक्त पुरुष कोई जगत का काम नहीं करते, कई जीवन मुक्त पुरुष बड़े स्कूल चलाते, विद्यालय चलाए। भाई रमण महर्षि ने कोई स्कूल विद्यालय नहीं चलाया, ठीक है, और गुरुदेव ने बहुत सारे विद्यालय विश्वविद्यालय स्कूल और कॉलेज चलाए, तो क्या कहेंगे, किसी को किसी के व्यवहार से उसकी ब्रह्म प्रमा को नहीं नाप सकते। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवहार से ये मत आंको कि ये जीवन मुक्त है, वो तो बनावटी भी हो सकता है भाई, बनावटी भी तो हो सकता है। व्यवहार से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं, कैसे नापोगे, व्यवहार का लेना देना साधक से है, क्योंकि उसका अंतःकरण क्या होगा, शुद्ध होगा, और ये तो खुद वो जानता है कि मेरा अंतःकरण कैसा है। स्पष्ट हो गया, सर्वथा वर्तमानोपि, वो कुछ भी वर्तमान मतलब कोई भी वर्तन करते हुए, हाँ
वर्तन करने का मतलब क्या हो गया, कुछ भी व्यवहार करते हुए हाँ उसका जो ज्ञान है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो प्रमा है, क्या प्रमा है, यह पूरा जगत मेरे अंदर स्थित है, मैं इस जगत का अधिष्ठान तत्व हूँ, यह जो जगत है ये अध्यस्त रूप है, ये जिसकी प्रमा हो गई वो कुछ भी व्यवहार करता है लेकिन उसकी दृष्टि एक ही रहती है, किसकी, सर्वभूत स्थितम यो माम, कुछ भी करे उसकी दृष्टि सब में उस आत्म तत्व की ओर ही होती है, सयोगी मई वर्तते, वह योगी मुझको ही प्राप्त करता है, मई मतलब मुझको, मुझको मतलब किसको, बोले वैष्णवे परम पदे मोक्षम, यह मोक्ष को परम पद को वैष्णव को प्राप्त करता है, स्पष्ट हो गया ये श्लोक। और अब महाराज अर्जुन ने अपनी एक क्या कहें, अपनी एक वास्तविक अनुभूति बोल दी, देखेंगे, बोले महाराज आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया इस ध्यान योग का, मुबारक हो आपको, बट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये समझ में आ गया मेरे लिए ये नहीं है। बोले महाराज ये कैसे कह रहा है, एतस्याहं न पश्यामि, आहा कितना स्पष्ट कहता है, हाँ मुझे याद आ रहा है 32वां मुझे दिख रहा है, एतस्याहं न पश्यामि, एतस्य अहम न पश्यामि, मैं नहीं देखता, क्या नहीं देखते, ये जो आपने कहा, क्या कहा, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः, ये जो आपने योग कहा, कौन सा योग, साम्येन, बड़ा देखो अर्जुन ध्यान योग को कौन सा योग कहता है, साम्य योग, मधुसूदन भगवान का नाम लेता है, हे मधुसूदन जो आपने ये साम्य योग कहा, एतस्याहं न पश्यामि, आपने कहा ठीक है लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता, भगवान ने कहा आप क्या दिक्कत आ गई, चंचलत्वात, वाह देखो मन गया, अब बीमारी पर अपने आया, आपने सब खेल जो बताया ये मन का है, और मेरी जो बीमारी है मैं आपसे बताऊं भगवान, चंचलत्वात, मैं तो महाराज मेरा मन तो बहुत चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण, ये जुड़ गया ना आगे से, तो आगे इसको 32वें श्लोक से कल देखते, एक्चुअली में इस 32वें श्लोक में ही ध्यान का समापन हो गया, जो ध्यान की प्रक्रिया थी वह इसका क्या हो गया, समापन हो गया। अब ध्यान संबंधी प्रश्न है, एक तो यही प्रश्न है, क्या प्रश्न है, कि मेरा मन बहुत चंचल है अब मैं क्या करूं, आपने कहा ठीक है लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। दूसरा एक बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, अगर मैं ये ध्यान करते करते मर गया तो, देखो ये सबको प्रश्न रहता है, मेरी साधना छूट गई तो, मेरा देह छूट गया तो मेरा क्या होगा, ये दो प्रश्न है। अब भगवान पुनर्जन्म, देखो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आपका अगला जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, ये भगवान ने इसमें बताया, कोशिश करेंगे आपको उसको और खोलने की, कहाँ होगा जन्म। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण